जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिः भावे कृत्सन्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित हमने यहाँ चालू किया है। बहुत ही अनुपम अद्भुत रचना आचार्य के द्वारा की गई है। अध्यात्म का ग्रंथ है। आत्मा से परमात्मा बनने की विधि क्या है, उस विधि को आचार्य देव ने इस ग्रंथ में बताया है। अनंत काल का संसार है और अब हमें संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, तो आचार्य ने यहाँ पे संसार के अभाव की विधि इसमें बताई है। अब हमने कल पहला श्लोक देखा था जिसमें सिद्धों को नमस्कार किया। किनको नमस्कार किया? पहले श्लोक में सिद्धों को नमस्कार किया आचार्य ने। समय सार में भी वंदितु सव्य सिद्ध कहकर सिद्धों को कुंद कुंद आचार्य देव ने नमस्कार किया। और पहले श्लोक में परमात्मा का स्वरूप क्या है और वो परमात्मा दशा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसकी पूरी विधि पहले श्लोक में बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दूसरे श्लोक पर आते हैं। अब प्रश्न यहाँ पे ये होता है कि जीव परमात्मा कैसे बन सकता है, हमें प्रश्न होता है ना, क्योंकि पहले यहाँ पे बताया परमात्मा की पूरी महिमा की वर्णन किया। अब ये परमात्मा पने को मैं कैसे प्राप्त करूं, मैं मेरे पर्याय में परमात्मा कैसे बनूं, उसकी विधि वहां पे दूसरे श्लोक में बताई गई है। यहाँ हमने लास्ट में हमने ये देखा था कि दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनी एकता तेज सिद्ध स्वरूपनी प्राप्ति नो उपाय छे। एम आचार्य गर्भित पने आ श्लोक मां दर्शाव्यू छे। हवे शिष्य कहे छे, अब देखो प्रश्न, पहले श्लोक चालू होने के पहले शिष्य का क्या प्रश्न है, हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या है शिष्य का। यहाँ पे कहा कि पोताने स्वयं स्वरूपनी प्राप्ति केवी रीते थाय। देखो प्रश्न किया ना कि अब मुझे ऐसे शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो जो जो निकट भवी है, जो आसन भव्य जीव है, जिनका भविष्य में भला होने वाला है, जो जिज्ञासु शिष्य है उनको ही इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। क्या प्रश्न हुआ कि पोता ने स्वयं स्वरूपनी प्राप्ति केवी रीते थाय, हूँ कौन छू, क्या थी थयो, सुस्वरूप छे मां रूख। ऐसे बारंबार विचार हमें भी करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे शिष्य का ये प्रश्न किया। अब देखो पोताना आत्मा ने स्वयं एटले आत्मा वड़े स्वरूपनी अर्थात सम्यक्तवादी आठ गुणोनी प्रगटता रूप प्राप्ति केवी रीते, एटले के कया उपाय वड़े थाय छे, ए अहिया समझावे छे। क्या समझा रहे हैं कि एक तो कीधु आत्मा वड़े स्वरूपनी अर्थात सम्यक्तवादी आठ गुणोनी प्रगटता प्राप्ति। आठ गुण कौन से, जो परमात्मा को प्रगट है ना, सिद्ध भगवान को आठ गुण प्रगट हुए हैं। कौन कौन से आठ गुण? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य और चार अघाती कर्म के सामने अव्याबाद, अगुरुल गुत्व, सूक्ष्मत्व और अवगानत्व। ये चार अघाती कर्म के अभाव में और घाती कर्म के अभाव में
चार चतुष्टय हमने देखे, ये आठ गुण मुझे अभिव्यक्ति माने मुझे कैसे प्रकट हो, उपलब्धि हो, एनो सु उपाय से ते हवे दृष्टांत वडे समझावे। वो अभी एक दृष्टांत के द्वारा आचार्य देव समझाते हैं। क्या समझाते हैं? देखो, शिष्य पूछवानो आशय एज छे के स्वस्वरूपनी स्वयं प्राप्ति ने सिद्ध करे छे, तेवा दृष्टांत नो अभाव छे, तो दृष्टांत विना स्वयं स्वभावाप्ति एक कथन ने साचु केवी रीते मानी शकाय, आचार्य तेनु समाधान करे छे। देखो, एक दृष्टांत के द्वारा हम अपने स्वभाव की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं उसको यहाँ पे समझा रहे हैं। अन्वयार्थ, जेम योग्य उपादान कारण ना योग थी पाषाण ने सुवर्ण पाषाण ने सुवर्ण पणु मानवामा आव्यु छे। शू कीधु अहीं के जेम योग्य उपादान कारण ना योग थी, एक होता है अंध पाषाण और एक होता है कौन सा पाषाण, एक होता है सुवर्ण पाषाण। पहले श्लोक में कह दिया कि सिद्ध भगवान ने आठ कर्मों का अभाव कर दिया और उनकी पर्याय में शायिक ज्ञान, केवल ज्ञान ना उसकी प्राप्ति हो गई। अब ये दूसरे श्लोक में कहते हैं कि हमें भी ऐसी दशा पर्याय में प्रकट करनी है, तो उसकी विधि क्या है, उसका उपाय क्या है। देखो, कोई भी कार्य होता है ना, तो उसमें दो कारण होते हैं। कौन से दो कारण? उपादान कारण और निमित्त कारण। दो कारण होते हैं, कौन से दो? उपादान और निमित्त कारण, है ना। यहाँ पे दृष्टांत सुवर्ण पाषाण का दिया गया है, एक होता है अंध पाषाण और एक होता है सुवर्ण पाषाण। अब जो अंध पाषाण होता है ना, तो उसमें सुवर्ण पणे परिणमन करने की योग्यता ही नहीं है। क्या कहा? जो अंध पाषाण है ना, उसमें सुवर्ण पणे परिणमन करने की क्या नहीं है? योग्यता नहीं है। परंतु जो सुवर्ण पाषाण है ना, उसको योग्य कारण मिलते ही, योग्य कारण दोनों लेना उसमें, उपादान और निमित्त कारण। अभी बताएंगे टीका में आगे, उसकी स्पष्टता करेंगे आचार्य देव। परंतु अभी इतना समझो कि वो सुवर्ण पाषाण को योग्य कारण मिला ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा? तो वो शुद्ध सोना रूप से परिणमित हो जाता है, क्योंकि वो सुवर्ण पाषाण में सोने रूप परिणमन करने की क्या है, सोने रूप परिणमन करने की शक्ति है, अंध पाषाण में नहीं है। ऐसे ये छह द्रव्य है ना, छह द्रव्य में से पांच द्रव्य तो अंध पाषाण के समान है। क्यों अंध पाषाण के समान? क्योंकि उनमें सम्यक्त्व रूप मोक्ष प्राप्ति की उन पांच द्रव्य में योग्यता ही नहीं है, वे कर ही नहीं सकते। परंतु जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य वो सुवर्ण पाषाण के समान है, क्योंकि उसमें मोक्ष जाने की क्या है, उसमें मोक्ष जाने की लायकात है। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या कहा कि सुवर्ण पणु मानवामा आव्यु छे, तेम आत्मा ने पण सुद्रव्य क्षेत्र आदि वा स्वद्रव्य क्षेत्र आदि नी संपत्ति होता। अब आत्मा में घटित करेंगे, कौन उपादान कौन निमित्त कारण वो अपन बाद में देखेंगे, उसका वर्णन आएगा टीका में। परंतु अभी तो इतना कहा, क्या कहा कि ऐसे आत्मा को भी सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव कहो कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव कहो, एक ही बात है ना। स्व के बदले सु शब्द भी अपन उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की संपत्ति होते ही मिलते ही आत्मपणु अर्थात निर्मल निश्चल चैतन्य भाव मानवामा आव्यो छे। आत्मपणु अर्थात निर्मल निश्चल चैतन्य भाव मानवामा आव्यो छे, माने क्या
माने योग्य कारण मिलते ही आत्मा में भी इस प्रकार की क्या हो जाएगी, निर्मल परिणति की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो टीका पे आओ, टीका लोको माने छे अभिप्राय धरावे छे शूते शू माने छे सुवर्णता एटले के सुवर्ण भाव कोने माने छे पाषाण ने अर्थात जेमना सुवर्ण प्रगट थवानी योग्यता छे तेवा पाषाण ने, है ना, पाषाण कौन है, सुवर्ण पाषाण के जिसमें ऐसे सोने बनने की क्या है, सुवर्ण प्रगट होने की ऐसी उसमें लायकात है, योग्यता है। अब शा बड़े, किसके बड़े माने किसके द्वारा उस सुवर्ण पाषाण में से शुद्ध सोना प्रगट होगा, किसके द्वारा, जैसे कहते ना, अब देखो याद देंगे, उपादान और निमित्त कारण, स्वयं की ऐसी योग्यता, स्वयं की ऐसी उपादानगत योग्यता, और सामने क्या निमित्त मिलेगा, तो कहते अग्नि का निमित्त मिलने पर, किसका निमित्त मिलने पर, अग्नि का निमित्त मिलने पर क्या हो जाता है, तो कहते कि वो सुवर्ण पाषाण में से अशुद्धि टलती जाती है और शुद्ध सोना पर्याय में प्रगट हो जाता है। क्या कहा, ख्याल आ रहा है ना, अग्नि का निमित्त मिलते और स्वयं की ऐसी परिणमन करने की योग्यता, उसके द्वारा उस पर्याय की योग्यता, उसके द्वारा क्या होगा, तो कहते कि अशुद्धता टलती जाएगी और शुद्ध सुवर्णपना पर्याय में प्रगट हो जाएगा। आता है ना कारण, निमित्त उपादान के जो का जो विषय है उसमें आता है ना कारण दो प्रकार के, उपादान कारण और निमित्त कारण, उपादान कारण और कौन सा कारण, दूसरा निमित्त कारण। तो उपादान कारण माने तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उपादान कारण माने कौन सा कारण, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, बराबर, त्रिकाल कारण, त्रिकाल जो त्रिकाल मौजूद है आत्मा में कहेंगे तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। परंतु अब देखो सोने में भी ऐसा एक त्रिकाली उपादान कारण है जो हमेशा मौजूद है, और फिर कारण का एक का भेद त्रिकाली उपादान कारण, और दूसरा भेद है तत्समय की योग्यता। कारण के पहले दो भेद किए, कारण के दो भेद उपादान कारण और निमित्त कारण, उपादान कारण के वापस दो भेद, कौन से दो भेद, त्रिकाली उपादान कारण और त्रिकाली उपादान कारण और तत्समय की योग्यता। अब उस त्रिकाली उपादान कारण और तत्समय की योग्यता में भी खरेखर यथार्थ रूप में कारण कौन है, कौन है कारण, तो कहते त्रिकाली उपादान कारण वो एक्चुअली कार्य का कारण नहीं है, क्योंकि त्रिकाली उपादान कारण तो सबके पास है, अनादि से है, बद्धा पास है ना, निगोदिया जीव थी लई ने सिद्ध भगवान, सबके पास भगवान आत्मा है कि नहीं, परंतु कार्य क्यों नहीं हो रहा है पर्याय में, सम्यक दर्शन का, केवल ज्ञान का, मोक्ष का कार्य क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कारण त्रिकाली उपादान कारण वो यथार्थ कारण नहीं है, यथार्थ कार्य का कारण तो उस पर्याय की तत्समय की योग्यता है, क्योंकि वो कार्य जब पर्याय में होगा तो उसकी योग्यता से वो कार्य होता है। कहते हैं ना सुमेरु पर्वत के नीचे सोना तो है, सोना तो है, परंतु वो सोना क्या काम का, सोना क्या काम का, कि जो जो किसी के उपयोग में ही ना आए, ऐसे आत्मा तो सबके पास है, परंतु आत्मा का अनुभव जिसको हुआ ना, उसको ही ख्याल आएगा कि आत्मा कैसा है, आत्मा शुद्ध है, परिपूर्ण है, अनंत गुणात्मक है, जो ऐसे आत्मा का क्या करेगा, जो ऐसे आत्मा का अनुभव करेगा उसको ही पता चलेगा कि आत्मा कैसा है, शुद्ध है। इसलिए छठी गाथा में कहा ना, उपास्वामा आउतो शुद्ध छे, उपास्वामा आउतो शुद्ध छे, प्रमत नथी अप्रमत नथी एक ज्ञायक भाव छे, वो तो सबके आत्मा की बात की, परंतु दूसरी लाइन में कहा कि जेने आवी उपासना करी इन्हीं माटे शुद्ध छे, इन्हीं माटे शुद्ध छे। अब देखो यहां कहा, क्या कहा, यहां कहा ना के पाषाण ने अर्थात जेमा सुवर्ण प्रगट थवानी योग्यता छे तेवा पाषाण ने,
अभी इधर कौन सा पाषाण लिया कि जिसमें सुवर्णपना प्रकट करने की लायकात है, योग्यता है। अब शाह बड़े तो कहते हैं कि जेम योग्य इतले सुवर्णना परिणाम करवाने उचित उपादान कारणोना योग थी, इतले मेलाप थी, संपत्ति थी, सुवर्णतानो आविर्भाव माने छे। सुवर्णपना का आविर्भाव किस कारण से होगा? तो पहले का उपादान कारण से, है ना, उसका जो उपादान कारण है ना, उसकी जो पर्याय की जो उसकी उसकी जो पर्याय की लायका ना, उसके कारण से वो सुवर्णपने का क्या हो जाएगा? आविर्भाव। आविर्भाव होना माने प्रगट होना, है ना। उसके जो योग्य कारण, उसका जो योग्य उपादान कारण है, तो उसके कारण से वो पाषाण में से सुवर्णपना क्या हो जाएगा? आविर्भाव हो जाएगा। आविर्भाव होना माने प्रगट हो जाना, प्रगट हो जाना। अब यहाँ देखो क्या कहा, आविर्भाव माने छे तेम आत्मा ने पण, एटले पुरुष ने पण, केवल पाषाण ने नहीं, पुरुष ने पण, माने खाली अभी पाषाण की बात नहीं करना, वो तो दृष्टांत की बात है, परंतु पुरुष ने पण माने आत्मा ने पण, एम शब्दों नो अर्थ बराबर मानवामा आवे, आत्मा ने पण मानवामा आवे छे, कहेवामा आवे छे, एले कि आत्मा में भी ऐसे सिद्ध पने की परमात्मा पने का कार्य प्रकट होगा, बराबर कैसे होगा? तो कहते हैं कि योग्य उपादान कारण मिलने पर, माने योग्य उपादान कारण के योग से आत्मा में भी ऐसी निर्मल दशा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे वो पाषाण में योग्य कारण मिलते ही वो क्या हो जाएगा? पाषाण में से शुद्ध सुवर्ण प्रकट हो जाएगा। ऐसे आत्मा में भी समझना, वो तो दृष्टांत में समझाया है ना, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, दो बात होती है ना, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव, उपादान और निमित्त कारण दोनों लेने का अपने को, क्योंकि कार्य होगा ना, कार्य होता है तो उपादान से ही होता है। कार्य किससे होता है? तो कार्य तो उपादान से ही होता है, परंतु निमित्त की हाजिरी होगी और होगी। अपन ने दो वाक्य देखे है ना निमित्त के लिए, कि निमित्त अनिवार्य भी है और निमित्त अकिंचित कर है। निमित्त कैसा है? निमित्त अनिवार्य और निमित्त अकिंचित कर है, बराबर, यानी निमित्त की उपस्थिति भी होगी परंतु निमित्त से कुछ कार्य होने वाला नहीं है। अभव्य की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अभव्य जीव तो अंध पाषाण के समान, किसके समान है? अंध पाषाण के समान, क्योंकि अभव्य के पास त्रिकाली उपादान कारण तो है, परंतु पर्याय में ऐसी योग्यता ही नहीं है। कैसी योग्यता नहीं है? तो कहते हैं कि वो स्वभाव रूप परिणमे ऐसी योग्यता नहीं है, और हमारे पास ऐसी योग्यता है परंतु हम योग्य पुरुषार्थ करें तो हम उस स्वभाव रूप क्या हो जाएंगे? परिणमन कर पाएंगे। परंतु यहाँ पे पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, पूज्य बेंची के वचनामृत में बोल है ना कि जैसे जगत में डगले ने पगले पैसा की जरूरत पड़े छे, ए मैया कहे छे कि मोक्ष मार्ग में पर्याय पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। पुरुषार्थ, सोगानी जी का मंत्र था ना पुरुषार्थ, कैसा पुरुषार्थ कर लिया एक रात में, एक गुरुदेव जी का प्रवचन सुना कि राग और ज्ञान अलग है, राग और ज्ञान अलग है, जुदा जुदा छे, ऐसे सुनते ही समिति की रूम में बैठे और क्या कर लिया, और सुबह उठे सम्यक्त्व की प्राप्ति करके उठे, राग और ज्ञान के क्या कर लिए? टुकड़े कर दिए। ख्याल आ गया कि राग मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो क्या हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा, अजर अमर अनादि अनंत तत्व, ये सब पर्याय क्षणिक है, ये सारे परद्रव्य क्या है? मेरे से भिन्न है, ना ये मेरे थे, ना वर्तमान में मेरे है, ना भविष्य में मेरे होने वाले हैं, मैं तो संयोग और संयोगी भाव दोनों से कैसा तत्व हूं, दोनों से मैं तो निराला तत्व। ऐसा जब ख्याल आता है ना,
तब या पांच समवाय मिलते हैं तब कार्य होता है, पांचवे समवाय। परंतु उपदेश पुरुषार्थ का दिया जाता है, किसका दिया जाता है? पुरुषार्थ का। बाकी के कहा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नौवे अधिकार में पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति कही ना, तो वहां पे पुरुषार्थ की को मुख्य किया, बाकी के समवाय को क्या कर दिया? गौण कर दिया। परंतु जब भी कार्य होगा तो पांच समवाय पूर्वक ही कार्य होता है। अब देखो यहां कहा ना, क्या कहा कि कहवामा आवे छे, शूते मानवामा आवे छे, आत्मता आत्मानो जीवनो भाव निर्मल निश्चल चैतन्य भाव ना, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के विशेषण कहे। क्या विशेषण कहे? कि निश्चल है, निर्मल है और चैतन्य भाव स्वभावी है। कैसा है? ज्ञान और आनंदमयी है, चैतन्य भाव वाला है, निर्मल छे, निश्चल छे अने चैतन्य स्वभावी है। शू होता, अब देखो ऐसा आत्मा अब पर्याय में कब प्रकट होगा, कैसे होगा? तो द्रव्यादि स्व आदि संपत्ति होता है ना, द्रव्य आदि माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चार ले लेना, ये चार चतुष्टय है। कोई भी कार्य होता है ना तो वो चतुष्टय द्वारा होता है, चार चतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। हम कोई भी कार्य बार में करते हैं ना तो चार प्रश्न पूछते हैं कि नहीं, कोई भी कार्य संबंधी चार प्रश्न उठते हैं, किसके द्वारा, क्या हुआ, कब होगा और कैसे होगा। चार प्रश्न कोई भी कार्य हो तो हम चार प्रश्न पूछते हैं, उसके द्रव्य संबंधी, उसके काल संबंधी, उसके क्षेत्र संबंधी और उसके भाव संबंधी। ये चार चतुष्टय है, बराबर। ये स्व आदि संपत्ति होता, द्रव्य अन्वयी भाव बराबर आदि जे क्षेत्र काल भाव छे तेनी आदि मा द्रव्य छे, ते द्रव्य आदि तथा स्व आदि एटले सुशब्द अथवा स्व शब्द जेमनी आदि मा छे, ते सु आदि द्रव्य आदि वा स्वा आदि द्रव्य आदि इच्छा अनुसार विशेषण विशेष्य भाव रूप समास सुभाव एवो अर्थ छे। माने इधर कह रहा है कि द्रव्य आदि के आगे क्या लिख दो? स्वद्रव्य आदि। स्वद्रव्य आदि लिखो या सुद्रव्य आदि लिखो, बराबर स्व और सु शब्द द्रव्य के आगे लगाओ, क्योंकि कार्य होगा ना तो वो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव द्वारा होगा। कोई भी कार्य होगा वो किसके द्वारा होगा? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा। दो बात बताते हैं ना, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव जाएगा और निमित्त कारण में क्या जाएगा? परद्रव्य क्षेत्र काल भाव। जैसे के सुवर्ण में से, पाषाण में से सोना बना ना, तो वो सुवर्ण बनने की जो पर्याय की योग्यता थी ना, है ना, उसके स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो सुवर्णपना प्रकट हुआ, उसके उपादानगत योग्यता से वो सुवर्णपना प्रकट हुआ। और सामने परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्या था? तो अग्नि थी, सोनार थे, है ना, ये सब निमित्त था कि नहीं? वो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव हो गया। अब आत्मा में घटित करेंगे, अब आत्मा में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और आत्मा के परद्रव्य क्षेत्र काल भाव। कोई भी कार्य होगा तो उसमें स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव, है ना। स्वद्रव्य माने आत्मद्रव्य, उसका क्षेत्र माने असंख्यात प्रदेश, काल माने उस पर्याय की ऐसी होने की योग्यता, और भाव माने उस रूप परिणमन करने के अनुकूल भाव। ये हो गए स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव। और सामने निमित्त, जब भी मोक्ष होगा तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव उपादान कारण से वो कार्य होगा, और सामने निमित्त में कौन होगा? तो कहते पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त होगा। पर द्रव्य में मोक्ष होगा तो कौन सा शरीर होगा, कौन सा सहनन होगा? तो कहते वज्र ऋषभ नाराज सहनन होगा। कौन सा सहनन? वज्र ऋषभ नाराज सहनन।
क्षेत्र कहां से जीव मोक्ष जाएगा? तो कहते कर्म भूमि के आर्य खंड में से जीव मोक्ष में जाता है। काल कौन सा होगा? तो कहते काल नियम से चौथा काल होगा। कौन सा काल होगा? चौथा। और भाव, पर भाव क्या है ना, वो पर भाव वो भी कारण होगा। ये लिया हमने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव वो उपादान कारण, दोनों दोनों कारण है। जब भी कार्य होगा तो दोनों कारण की क्या होगी? उपस्थिति होगी। अब कहा ना समास सुभाव एवं अर्थ छे, सुशब्द प्रशंसना प्रशंसाना अर्थ मा छे। देखो सुशब्द जब ये कार्य होता है ना, कार्य हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कहो के पूर्णता की प्राप्ति हो, तो वो कार्य हुआ ना तो वो जीव प्रशंसनीय है। क्या है वो जीव? वो जीव प्रशंसनीय है क्योंकि उसने अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के पुरुषार्थ के द्वारा वो मोक्ष की प्राप्ति कर ली। कौन सा जीव प्रशंसनीय? जिसका बहुत क्षयोपशम ज्ञान हो, बहुत अच्छे से समझा दे, बहुत ज्ञान हो जाए बाहर का, बहुत पैसा हो, बहुत सुंदर शरीर हो, बहुत अच्छे पद हो, जगत में वाहवाह होती हो, तो कहते वो जीव ना प्रशंसनीय नहीं। परंतु प्रशंसनीय तो वो जीव है कि जिसने ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या कर लिया? कार्य कर लिया। वो जीव प्रशंसनीय है जो इस परिणति रूप परिणमा, श्रीमद जी ने कहा ना अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य। ये काम नहीं किया अनंत काल से, बाकी सब कुछ समझ लिया, पढ़ लिया, ज्ञान ले लिया, परंतु श्रीमद जी ने कहा ना आत्म ज्ञान वगर निवेड़ो नथी। आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ये काम सबसे पहले हमारे एजेंडा पर सबसे पहला काम होना चाहिए, अनुभूति का काम। मुझे ये भव में मुझे मेरी अनुभूति करनी है, मुझे मेरे आत्मा की प्राप्ति करनी है, कुछ भी हो जाए, परंतु ये भव आत्मा की प्राप्ति के बिना न निकल जाए। अधिक महिमा हमें परद्रव्य की ना आए ना, अधिक रुचि परद्रव्य की ना हो, अधिक हम परद्रव्य में इतने मग्न न हो जाए कि हम अपने आत्मा को ही भूल जाए। आता पूजा में आता ना कि तन तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। कैसा हूँ मैं? अखंड हूँ, निराला हूँ, चैतन्य तत्वमय हूँ। कितनी महिमा गुरुदेव ने 45-45 साल इस भगवान आत्मा की महिमा गाई, और हम अपना ये काम नहीं करे तो पंडित टोडलमल जी की भाषा में कहे कि मेरे अभाग्य की महिमा हो सकती नहीं है। ये दुर्लभ मनुष्य भव हाथ में से निकल गया, हमको किसको प्रभावित करना है? ज्ञानी किसी को प्रभावित नहीं करते हैं और किसी से प्रभावित होते नहीं है, एक आत्मा ही उनको मुख्य रहता है। आत्मा के बिना कहीं चैन नहीं पड़ता, आत्मा को देखे बिना चैन नहीं पड़ता। जैसे वो बालक माता को नहीं देखता है तो वो कितना रोता है, चैन नहीं पड़ता ना उसको। आता ना बेंची के वचनामृत में बोले कि बालक माता थी विखुट्टो पड़ी जाए छे, छुट्टो पड़ी जाए तो उसको वो खूब रोता है। तो उसको कुछ भी पूछो कि तू तेरा नाम क्या, तो कहता है मारी बा। तुझे क्या खाना है, तो कहते मेरी माँ। तू कहाँ रहता है, तो कहते मेरी माँ। ऐसे ये आत्मार्थी जीव ना, ये मोक्षार्थी जीव किसके बिना चैन नहीं पड़ता? एक आत्मा के बिना उसे चैन नहीं पड़ता। ऐसे याद दिन रात एक करके भी हमें क्या कर लेना चाहिए? अपने आत्मा की प्राप्ति कर लेना चाहिए। यहाँ पे कहा ना प्रशंसा ना अर्थमा छे, जिसने ऐसा काम किया ऐसे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता द्वारा क्या किया? तो कहते हैं कि निर्मल पर्याय सम्यक्त की पर्याय रूप जो जीव परिणमन जिसने परिणमन किया, शुद्धि की प्राप्ति जिसने कर ली, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का जिसने नाश कर लिया, ऐसा जीव क्या है? तो कहते ऐसा जीव प्रशंसनीय है। भले वो तीर्यन गति का अनपढ़ हो, सात तत्व के नाम न आते हो,
नमुकार मंत्र नहीं आता हो, परंतु उसको भाव भाषण हो गया ना कि मैं आत्मा हूं, उसको भाव भाषण हो गया तो वो जीव प्रशंसनीय है। और द्रव्यलिंगी मुनिराज भले कितने भी व्रत आदि कर ले, मात्र पण आता ना समय सार की गाथा में, अनुमात्र पण राग आदि रहे तब पण जान तो नहीं आत्मने। कितने भी व्रत आदि कर लो, कितने भी अनुव्रत धार लो, पर राग का अंश मात्र भी सद्भाव रहेगा, मिथ्यात्व का अंश मात्र भी सद्भाव रहेगा, तब तक वो जीव निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता है। देखो यहाँ कहा ना, क्या कहा कि मुख्य कार्य नु उपयोगी पणु ते प्रशंसीय पणु छे। द्रव्य आदि स्व आदि एटले स्व द्रव्य क्षेत्र काल भावनी संपत्ति एटले संपूर्णता ते होता आत्माने निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्मानी प्राप्ति थाय छे। आत्मानी शू थई जाय छे तो कहते स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की संपदा द्वारा आत्मा की क्या हो जाती है, पर्याय में प्राप्ति हो जाती है। माने ऐसे ये पर्याय स्वयं ऐसा पुरुषार्थ करती है और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की उपादानगत योग्यता द्वारा वो पर्याय क्या कर लेती है, तो कहते कि अपने आत्मा की प्राप्ति कर लेती है और सामने उसको ऐसा योग्य निमित्त भी मिल जाते हैं। जैसे वो शेर की पर्याय हाँ में उसकी योग्यता जागृत हुई ना, प्रकट हुई, तो फिर उसको योग्य निमित्त मिल गए कि नहीं, और समो शरण में थे तो उसकी योग्यता नहीं थी, उस पर्याय की ऐसी लायका तो उस समय परिणमन करने की नहीं थी। तो सामने आदिनाथ भगवान भी थे परंतु क्या नहीं हुआ, तो कहते कार्य नहीं हुआ। ओम ध्वनि तो एक सी देते हैं सबको और समोचरण में सब लोग वो ओम ध्वनि को सुनते हैं, सब उपदेश को सुनते हैं, पर सबको एक समान कार्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सिद्ध करता है कि निमित्त से कार्य तीन काल में नहीं होगा। निमित्त तो अकर्ता है, कार्य अपने किससे होगा, अपने उपादानगत योग्यता से होता है। इसलिए बेंशी कहते थे ना, क्या कहते थे कि उपादान को जगाओ, है ना, उपादान को जगाओ, निमित्त तो आसमान में से नीचे उतर आएगा। उपादान ने जगाड़ सू तो निमित्त तो अपने आप को मिलने वाला है। बेंशी बेंशी बहन का उपादान जगा तो सामने पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए कि नहीं। ऐसे रुचि को बढ़ाना है, निमित्त की राह नहीं देखना, निमित्त का शोध नहीं करना, परंतु रुचि बढ़ेगी अपने आप, अंदर की लगनी सच्ची रुचि सच्ची भावना होगी कि मुझे मेरा आत्मा की प्राप्ति करनी है, तो नियम से निमित्त योग्य निमित्त मिले बिना रहेंगे नहीं। अब देखो यहाँ कहते ना कि ए आत्मा ने निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्मानी प्राप्ति थाई छे, एवं आत्मा ने योग्य उपादान कारण अने बारमा निमित्त कारण मिलते ही क्या हो जाती है, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। भावार्थ अनादिकार्थी सुवर्ण पाषाण मा शक्ति रूपे सुवर्ण विद्यमान छे। सुखी दो यहाँ अनादिकार्थी सुवर्ण पाषाण मा शक्ति रूपे सुवर्ण विद्यमान छे। शक्ति रूप तो है ना, ऐसे मेरे भगवान आत्मा में भी भगवान बनने की शक्ति है कि नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है कि नहीं, है ना, शक्ति है ना। इसलिए गुरुदेव कहते थे ना, भगवान छो अने भगवान थाओ, हम सब भगवान है और क्या हो सकता है, पर्याय में भगवान पना प्रगट हो सकता है। भगवान छो भगवान था वो मंत्र कहते थे, सम जानू का कह कर प्रेम से पुकारते थे, ये गुरुदेव को पाना और गुरुदेव को सुनना बड़ा भाग्य मानेंगे, भगवान बनेंगे। क्या मानेंगे, बड़ा भाग्य मानेंगे और भगवान बनेंगे। हमारा जैन धर्म का लोगो है ना, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। जैन धर्म में पूजा करने का कोई स्थान नहीं, पूज्य बनने का स्थान। क्या कहा, पुजारी नहीं, क्या बनना है, पूज्य बनना है, ऐसा हमारा ये जैन धर्म है। हमें भक्त बना के नहीं रखता, हमें क्या बना देता है, भगवान बना देता है। गजब का हमें ये मार्ग मिला है, गुरुदेव श्री ना हो तो हमें ये मार्ग कौन समझाता, कौन कहता। यहाँ पे कहा ना, देखो पासे ऐसी शक्ति है तेने जेम स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप योग्य उपादान कारणों
उसको ऐसा कारण मिला ना, उस पर्याय का जो स्वद्रव्य क्षेत्र, इधर पर्याय का लेने का, हाँ पर्याय का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप योग्य उपादान कारणों माने कार्योत्पादन ना समर्थ कारणों योग बनता, उस पर्याय में इस प्रकार के द्रव्य क्षेत्र योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव का कारण होते ही योग बनता, ते सुवर्ण व्यक्त रूपे प्रकट थी जाए। क्या हो जाता है वो सुवर्णपना पर्याय में क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। क्या मिलते ही, तो कहते हैं कि योग्य कारण मिलते ही, क्या मिलते योग्य कारण मिलते ही वो सुवर्णपना पर्याय में क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ऐसे यहाँ पे अब देखो आत्मा में घटित करेंगे, किसमें घटित करेंगे, आत्मा में। अब यहाँ पे कहा कि तेम आत्मा, आत्मा मा पण शुद्ध निश्चय नहीं थी, केवल ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव वालो परमात्मा शक्ति रूपे रहेलो छे। गजब की बात कह दी, क्या कह दिया के आत्मा केवो बिराजमान छे, केवो बिराजमान छे, केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव वालो परमात्मा। गुरुदेव श्री का मांगलिक है ना, तीन वाक्य कहते हैं, हूँ परमात्मा छू एम नक्की करो, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय करो, अरे हूँ परमात्मा छू एम अनुभव करो। अरे कितना गजब का ये हमें शुद्धात्मा बता दिया, तो हमें ये ऐसे विकृष्ट काल में इतने उदयों के बीच में, इतनी प्रतिकूलता के बीच में, ऐसे कोरोना वायरस जैसे भयंकर उदयों के बीच में भी हमें ये तत्व ज्ञान, हमें ये कारण परमात्मा बता दिया, तो हमें कितना गुरुदेश ने निर्भर कर दिया। अभी तो विचार करो कि अनुभूति होगी तो वो दशा कैसी होगी, परंतु मात्र ये तत्व ज्ञान में, इस स्वाध्याय के परिणाम में हमें इतनी शांति लगती है कि हम सब बाहर के जो भी चिंता है, जो विकल्प है, जो संसार संबंधी के जो प्रपंच है ना, आदि व्याधि उपाधि सब से हम क्या हो जाते, रहित हो जाते हैं, कितने पापों से हम बच जाते हैं। और हमें यहाँ पे ये गुरुदेश ने जो तत्व दिखाया, तो इस तत्व में हमें कितना आनंद आता है, हम कितने निर्भर हो जाते हैं। तो अनुभूति होगी तो वो दशा कैसी होगी, आता है ना बड़े पंडित जी की जय माला में, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहू लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया, विश्वास है शीघ्र भव भव भटकते, बहुत काल बीता रहा आज तक मोह मदिरा ही पीता। क्या पी रहा हूँ, मदिरा पान, ये मांस भक्षण कर रहे हम, देह की मग्नता ही मांस भक्षण, ये एकत्व बुद्धि, ये ममत्व बुद्धि, ये कर्तृत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, ये सब तोड़ने जैसा है, किसी का मोह किसी का राग करने जैसा नहीं है, क्योंकि सारे संयोग सब परद्रव्य है, ना मेरे है ना मैं उनका, सब आने जाने वाले तत्व पदार्थ है। कहते ना जितनी हम ममता करेंगे उसके वियोग होते उतना ही दुख होगा, इसलिए अभी हम चेत जाए, अभी हम जागरूक हो जाए कि ये परद्रव्य क्या, परद्रव्य क्या, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुदे है और मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुदे है, ना इन परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में मेरा सुख है, ना मेरा ज्ञान है, ना इनसे हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि होगी, हम उनके लक्ष्य से हमारे परिणाम बिगाड़ते हैं और उन परिणामों का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। देखते ना नरक की दशा, निगोद की दशा, चार गति के दुखों का वर्णन करे तो ख्याल रहा है कुछ, मैंने दिमाग काम ना करे, छह डाला की पहली डाल में दौलत राम जी ने कैसा वर्णन किया है, रुवाटे खड़े हो जाए, संसार का भय लग जाए। तीर्थंकर भी कहा ना, मोक्षमार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय में कहा पंडित टोडरमल जी ने कि तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती भी संसार से डरे, परंतु हमें डर नहीं लगता है तो हमें सुभट कहा, हमें कैसा कहा, सुभट कहा,
कि हम कैसे कठोर दिल वाले हैं, हम कैसे कैसे हृदय वाले हैं कि हमें इतना सब समझ में आने पर भी कि बाहर में कितने कितना सब परिणामशील है, कितना सब क्षणिक है, कितना नाशवान है, है ना। किसी किसी का किसी का किसी के साथ कोई यथार्थ सत्यार्थ संबंध नहीं है, कृत्रिम संबंध अकृत्रिम संबंध नहीं है, सब कृत्रिम है, तो भी हमारा मोह नहीं छूट रहा है। ये गजब का आश्चर्य लग रहा है आचार्य देव, यहाँ कह रहे ना ये शक्ति मेरे में पड़ी है, शक्ति का विश्वास करे। तेमा आत्मा पण शुद्ध निश्चय थी केवल ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव वालो परमात्मा शक्ति रूपे रहेलो छे, अने तेने स्वद्रव्य आदि रूप कारण योग्य कारणो योग बनता, आवा कारणो योग्य कारण मिलते ही ते व्यक्ति रूप स्वयं परमात्मा बनी जाए। कैसा बन जाता है वो स्वयं परमात्मा बन जाता, किसी के आशीर्वाद से नहीं, किसी के उपकार से नहीं, है ना, परंतु स्वयं अपनी अपने पुरुषार्थ के द्वारा वो क्या बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। एक हो त्रण काल मां परमारत्नो पर, मोक्ष का उपाय तो यही है कि स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहाँ पे कहा ना अर्थात आत्मा निज उपादान शक्ति थी परमात्मा बनी जाए, निज उपादान शक्ति थी जैसू बनी आये तो कैसे परमात्मा बनी जाये। ऐसा ये हमने आज ये दूसरे कलश दूसरे श्लोक की बात की, तीसरा श्लोक जो आएगा ना उसके पहले उसकी भूमिका में बहुत सुंदर वर्णन किया है, प्रश्न को ही बहुत विस्तार से पहले तो प्रश्न उठाया है और फिर तीसरे श्लोक की चर्चा की है, तीसरे श्लोक को लिखा गया है। परंतु हम तीसरे श्लोक को चालू करें उसके पहले ये जो पूरा ये आगे बताया है उसका उसकी उसकी चर्चा हम कल सुबह के स्वाध्याय में करेंगे। ऐसे हम अपनी रुचि आत्मा की रुचि करें, आत्मा ही एक सर्वस्व लगे, आत्मा के प्रति ही हमारा जीवन समर्पित हो और हम ऐसे शुद्ध तत्व की प्राप्ति पर्याय में कर ले, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। एक अनाउंसमेंट है, परसों से ही 7 तारीख से 7 से 12 सनावत द्वारा जो ब्रह्मचारी जतीश भाई है ना और राजकुमारी दीदी है उनके द्वारा एक शिविर आयोजित की गई है 7 से 12 7 जून से 14 जून तो उसका पूरा जो टाइम टेबल है ना सुबह से लेके शाम तक का पूरा प्रोग्राम है ना शाम तक का पूरा प्रोग्राम वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी है ना। तो वो 7 से 14 अपनी ये इष्टोपदेश और जैन सिद्धांत प्रवेशिका का स्वाध्याय नहीं रहेगा क्योंकि उसमें भी मुझे 2 टाइम लेना है सुबह और दोपहर में, तो बहुत अच्छे अच्छे विषय है तो आप लोग उसमें ज्वाइंट होंगे तो बहुत ही अच्छा है। उसमें सारे अलग अलग विषय है, शकलेशिया है, संसार परिभ्रमण का कारण है, फिर मेरा सहज जीवन है, अपूर्व अवसर है, ऐसे बहुत ही अच्छे टॉपिक्स दिए गए हैं मुझे लेने के लिए। तो आपको मैं आपका टाइम भी बता दूंगी कौन से टाइम पे स्वाध्याय है, पूजन है, भक्ति है, अन्य टीचर्सों के भी क्लास है और सामूहिक कक्षा लगेगी, तो पूरे दिन का प्रोग्राम है, जूम पे होने वाला है। आप लोग सब पहले जूम पे आते ही थे, अपना स्वाध्याय पहले जूम पे चलता ही था परंतु बाद में फिर हमने वो चेंज करके यहाँ पे फ्री कॉन्फ्रेंस में कर दिया, परंतु अब जूम चालू हो जाएगा है ना, जूम मैंने चालू कर दिया है तो जूम पे और फिर यूट्यूब पे भी वो लोग बोल रहे हैं लाइव दिखाएंगे, परंतु आप सबको जूम पे ज्वाइन करना हो तो आप लोग सब जूम पे आना। सुबह का मेरे स्वाध्याय का टाइमिंग तो उन्होंने मुझे बता दिया है 9 से 9:40 और दोपहर में 3 से 3:40, परंतु पूरे दिन का अन्य टीचर्स के भी पूरे स्वाध्याय, राजकुमार दीदी, ममता दीदी सब लोग स्वाध्याय लेने वाले हैं, तो सबके टाइमिंग्स वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। बहुत ही ये बहुत अच्छी शिविर होने वाली है तो अपन सब उस शिविर का ये लाभ ले है ना। तो 7 से 14 इससे ये दो विषय का अभी अपन ब्रेक रखते हैं और वो नए नए विषय अभी पहले अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो आज शाम को एक स्वाध्याय है जैन सिद्धांत प्रवेशिका, कल से फिर ये दोनों टॉपिक्स नहीं होंगे और परसों से फिर अपन ये शिविर का लाभ ले, बराबर ना। तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देती हूँ। एक यहाँ पे नए आंटी राजेश्वरी आंटी है ना, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, बाकी तो सब अपने ग्रुप में है ही। तो राजेश्वरी आंटी आप मुझे आपका नंबर दो देते हो क्या?